पंजाब दे नवे अटॉर्नी जनरल का ऐलान हो चुका है। दुपेंद्र पठवालिया पंजाब दे नवे एजी ने नवजोत सिंह सिद्धू की मांग ते मोहर लग चुकी है। दुपेंद्र पठवालिया का पहला भी नाम काफ़ी चर्चा सी पर APS देओल नूं पंजाब दा एजी बना दिता गया। हालांकि उस तो बाद एजी APS देओल ने इस्तीफा दिता ते हुण मुड़ तों दुपेंद्र पठवालिया दे नां काफ़ी चर्चा सी। पठवालिया मुड़ तों एजी होणगे, इस तों पहला चर्चावां इह सी कि दुपेंद्र पठवालिया एजी बन सकते ने, पर नवजोत सिद्धू के इस फैसले को दरकिनार करके पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने APS देओल नूं अहुदा दिता ते बाद विच अस्तीफा ले लिया गया। हालांकि कांग्रेस विच आवाज़ां उठियां कि AG दे अहुदे दा सियासीकरण किया गया। तो AG दुपेंद्र पठवालिया पंजाब दे AG होणगे। हालांकि नवें बने चन्नी सरकार कोल बड़ा घट समय, तुहानू इह वी जानकारी दस दईए कि APS देओल जिन्हां ते वड्डे इल्जाम नवजोत सिंह सिद्धू ने लगाए सी कि सबका पुलिस मुखी सुमित सिंह सैणी नूं अदालती सुरक्षा दवाउण दे विच, सुमित सिंह सैणी दे वकील APS देओल जिन्हां ने स्टेट दे अगेंस्ट ओह केस लड़िया, होर कई मामलों का जिक्र किया गया। खास करके बैबल कलां ते कोटकपुरा गोलीकांड दे उन्हां मुलजमां दा केस जिस मामले ते पंजाब दी सियासत घूमदी रही है। सो APS देओल दे इस्तीफे तो बाद दुपेंद्र पठवालिया पंजाब दे अटॉर्नी जनरल होणगे।